ये देखे जी, माशाल्लाह मेरा सियाना बेटा। हम नाश्ता कर रहे थे और मैं चीज़ें पास ला के रखी हैं, और ये इसने देखे ये ऑरेंज का जूस खुद निकाला है। एक पूरा ऑरेंज पकड़ के इसके ऊपर रख के पीछे वो दूसरा भी वो देखे, हाय अल्लाह। डर में पहले दिखाओ इसने खुद से जो निकाला है। ये देखे, ये इसने खुद से निकाला है, हमें पता भी नहीं चला है। नहीं क्या, हम नाश्ता कर रहे हैं, मैं किचन में गई हूँ और ये इसने एक जूस निकाल दिया है। बहुत क्यूट है, है ना, पुप्पू है, मुन्नू है तू। जी हम वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं। ये एक चुकंदर भी ले लें। चुकंदर, चुकंदर, हाँ ये ना, इसका भी एरोप्लेन आया, बाय बाय करने लग गया। हाँ जी चला गया बेबी एरोप्लेन, बाय बाय। अहमद को कैंडल इतनी पसंद आई है ना, अहमद कहता कि ऐसे जला दो। नो नो, पकड़नी नहीं, नो। ओए उसके लिए नई चीज़ है ये, वैसे बच्चों ने जलाई है ना तो उसके लिए नया है, तो इसको बहुत अच्छी लग रही है। अब काम नहीं करने दे रहा था तो मैंने इसको कैंडल जला के दी है कि चलो थोड़ी देर इसके खेल में लग जाएगा और मैं थोड़ा काम कर लूँ। आफू आफू नहीं करना इसको। अच्छा क्लैपिंग करके दिखाओ अहमद, क्लैपिंग, शाबाश, गुड बेबी। और बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय कर दो, नहीं करना, कैपिंग करते रहने। उई जी, याद बन रही है भिंडी, मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की फेवरेट। मुझे तो पसंद नहीं लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो ये साथ साथ भिंडी हो रही है फ्राई और प्याज हो रहे हैं कट, और फिर अभी बताते हैं क्या करते हैं साथ साथ। भिंडी फ्राई करके मैंने निकाल लिया है और डाल दिया है मैंने प्याज, और मेरे बेटे को ज़्यादा प्याज वाली भिंडी पसंद है तो इसलिए मैं ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ प्याजों की। और साथ साथ ये भिंडी फ्राई हो गई है और अब मैं ये टमाटर कट करती हूँ। जी ये मैंने अब इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, हल्दी। इसमें आज हमने ना कोई सूखा धनिया और ना ज़ीरा, कुछ भी नहीं, सिंपल सिर्फ नमक मिर्च हल्दी डाली है, प्याज टमाटर हरी मिर्चें, और अब ये भिंडी भी एंटर होने लगी है। कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं। तो अच्छा ये अब मैं इसको दोनों हाथों से मिक्स करूँगी और इसको लगा दूँगी दम, और ये दम में ही सारा गल जाएगा, टमाटर शमाटर जो डाला है, और भिंडी रेडी। जी भिंडी हो गई हमारी रेडी, और अब बन रही है साथ साथ ये धनिया, ओह कहा क्या होगा, धनिया, हरी मिर्चें, मज़ेदार सी चटनी, और बाद में इसके अंदर जाएगा एक लेमन, नमक। ये बहुत मज़े की बनती है। अभी ये सिर्फ धनिया हरी मिर्चें लेमन है, वैसे तो हम पुदीने वाले भी बनाते हैं, बाकी गर्मी आ रही है मैंने चटनियाँ ही बनाते रहने, क्योंकि इन दोनों बाप बेटे को पसंद है ये, मामा चटनी बना दो, ये कहेंगे जी चटनी बना दो, ये गर्मियाँ आनी है बस हमारे घर चटनियाँ ही बनती रहनी है। तो मैंने कहा चलो आज ये खुश कर दूँ, इनका दिल खुश कर दूँ, आज इनकी फेवरेट भिंडी भी पक गई है तो आज चटनी भी साथ बना दूँ। ये जी अब मैंने नमक डाला इसके ऊपर और अब ये मैं मिक्स करने लगी, लेमन भी डल गया और ये मज़ेदार सी चटनी बन गई। और ये आज मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बहुत खुश होंगे, कहेंगे क्या बात है आपकी, और फिर मैं इतने भी खुश हो जाऊँगी। ये देखिए आज बेडशीट चेंज होने लगी है,
और इसका ये देखें, ये अहमद का काम देखेंगे, ये सारे चने इसने फेंके हुए हैं। तोबा तोबा तोबा, और यहाँ भी इसने छीपी कर दिया आज बेड पे, लीक हो गया पैंपल। तो अब इसको चेंज करते हैं और नई बेडशीट बिछा के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी अहमद, नो मैंने कट दिया बेटा, रहने दो, ये देखे ज़रा पीछे हो जाओ, ये कितनी अच्छी लगती है जब नई नई बिछे। तो अहमद नो बेबी, नो मेरा बेबी, नो 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 बेबी अहमद बसाम, मामा ने झाड़ दिया, सही कर दिया, आपके ज़रूरत नहीं है काम कराने की। ये देखिए सर मैं झाड़ती हूँ ना ऐसी ये जी ये उतारी है। तो अभी बाकी कमरे के ये वो कपड़े देखेंगे, धोए थे थोड़े काल, वो करने हैं ये सारी चीज़ें, ये जानमास पड़े हुए अभी ये कवर करने हैं। तो अभी बड़े काम है, अभी खाना शुक्र है बन गया, खाना रेडी है, और अब कमरा वगैरह। फुल इंजॉय माहौल हो रहा है भाई अहमद बसाम का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो इस टाइम जो है ना बज रहे हैं 7, और अहमद जादिब का वेट हो रहा है। तो आज माशाल्लाह सारे काम हो गए, खाना भी बन गया, सारे काम हो गए। तो ये देखिए ज़रा अहमद पोई में देखते देखते सो गया, ये पोई में लगी हुई है। कब से मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, तब नहीं सो रहा था, और अब गलत टाइम पे 7 बजे सो गया, और अब ये रात को 2 बजेगा। तो अभी मैं इसको सीधा करती हूँ, लटाती हूँ, और फिर आपसे बात करती हूँ। ये जी हो गए 7:20 हो गए हैं, और अब है रोटियाँ पकाने का टाइम, जादीप कहीं आएगा और फिर हम सब खाना खाएंगे। और अहमद जो है सो गया बहुत गलत टाइम पे, और ये भी ये छुप गए हैं सारा दिन ये आज ना गए हैं ऑफिस, तो रास्ते में बारिश हो गई है और सारे गीले हो गए हैं, और इनको इतनी सर्दी लग रही है, ये कंबल के अंदर घुस गए हैं सोफे में बैठे बैठे कंबल के अंदर है। और ये आपको जैकेट नज़र आ रही होगी, ये देख रही है, ये मेरे हस्बैंड की है, ये चलिए अब बाकी काम करते हैं अब ये आज इनको बहुत सर्दी लगी हुई है, ये जी इनका हेलो फ़ोन बंद घर आज, तो इनके इतने फ़ोन आते हैं ना, ये कान पे ही रहता है इनका फ़ोन। ये कितनी प्यारी स्माइल कर रहे थे ये देखिए ये आ गया फ़ोन। मेरी वीडियोस में अक्सर आपको ये ट्यून सुनाई देती है ना, टून 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 टून, ये इनके ही फ़ोन आए होते हैं हर वक्त। चले जी अब मैं जाने लगी हूँ किचन में पकाने अब रोटियाँ, और फिर हम खाना खाते हैं। और आज मैंने सुबह सारी वीडियोस बनाती रही हूँ, और अब मुझे टाइम मिला कि ना मैं व्लॉग बनाना शुरू की हूँ, लेकिन साथ साथ मैं बनाती रही हूँ, भिंडी भी बनाई है आज, चटनी भी बनाई है। और वो अब मुझे देख रहे हैं, क्योंकि चटनी का मैंने इनको नहीं बताया था, सरप्राइज़ देना था, लेकिन उनको पता चल गया अब तो अब जाते हैं किचन में और पकाते हैं रोटियां, और जादी भी आने वाला है, तो फिर मिलके खाएंगे हम खाना। चलिए जी ये पूरा सेटअप लग गया रोटियां पकाने का, पेड़े बन गए हैं, बेलने के लिए भी रख लिया गया है ये खुशका, और ये आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेके आए हैं जूस के लिए, कि चलो अब मैं ऑरेंज का पी के थक गई हूँ, तो चलो अपने सुबह मेडिसिन जो है स्ट्रॉबेरी से वाली जूस से। और ये मेरे भिंडी ये भी रेडी है, तो चलें अब रोटियाँ पकाते हैं, और ये ईशा की अज़ान भी शुरू होगी, और अज़ान की आवाज़ आ रही होगी आपको, अभी बाद में बात करते हैं। चलें जी ये लास्ट रोटी पक रही है, और ये घी वाली बन रही है, क्योंकि जादिब को ना घी वाली रोटी पसंद है, हम अपने पे नहीं लगाते, बस जादिब को लगा देती हूँ मैं, क्योंकि हमें तो वैसे भी थी घी थोड़ा मना हुआ है ना मुझे, मैं अपने हेपेटाइटिस के लिए और इनको मैदे के लिए
तो इसलिए जो है ना ज़्यादा भी घी वाली रोटी खाएगा। तो ये देखिए जी सारा सेटअप, ये देखिए पकाने के बाद कितना इधर हो गया। अभी साफ़ करते हैं, ये सारी मेरी रोटियाँ पक गई हैं। और चने साथ साथ साफ़ सफाई भी हो जाए। चने दोनों हाथों का काम अभी करती हूँ। ये रोटी बन गई, कैसे फूल रही है। मेरे बेटे को लगता बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, रोटी इतनी फूल रही है। सिलेंडर गया, बंद हो गया। और अब गैस तो आज बिल्कुल नहीं आई, बारिश क्या हो गई, गैस ने तो एक हमें अपना मुंह ही नहीं दिखाया। आज सारा काम सिलेंडर पे हो रहा है। चलिए जी रोटियां गई हैं हमारी बन, ये अब हम रखने लगे हैं टेबल पे। और मेरा बेटा भी आ गया। चले खाना रखूँ? इसको आते ही बहुत भूख लगी होती है, अब नहीं इसने बर्दाश्त करना। अच्छा जी हम लग गए हैं खाना खाने, तो खाना लग गया। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।